नमस्कार नमस्कार, आप ठीक रहेगा? हाँ एक मिनट ठहरिए सभापति जी। आज 2:30 बजे से 5 बजे तक प्राइवेट प्राइवेट मेंबर बिजनेस था, किंतु जैसा सभी दलों ने मिलकर तय किया कि बजट पे जो चर्चा हो रही है वो जारी रहे। सर मैं हाउस स्ट्रैटेजी के लिए रख रहा हूँ, मैं प्रपोजल है भाई, भाई प्रपोजल है, प्रपोजल। हाँ हाँ ठीक है, एक मिनट पूरा कर लेंगे, उनका बोलना होने दीजिए, फिर आपको बोल देंगे। तो जैसा सर एक आम सहमति थी कि बजट के ऊपर चर्चा पूरी कर ली जाए, तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो प्राइवेट मेंबर बिजनेस है वो नेक्स्ट जब संसद आरंभ होगी तो उसमें शुक्रवार के दिन उसको और इन द सेम ऑर्डर के अंदर रखा जाएगा। और आज जब तक बजट पर वित्त मंत्री का जवाब हो तब तक जैसा हम लोगों ने तय किया था बजट की चर्चा आरंभ की जाएगी। थैंक यू। जरा इसको डिस्पोजल होने दीजिए, इसको इसके ऊपर सदस्य सभी पार्टी के नेता अपना राय बताए। ठीक है, हाँ ठीक है। सो सभी पार्टियां इसको सहमत है कि जी प्राइवेट मेंबर्स बिल अगले सत्र में होगा, पहला आज जो विषय है वही रहेगा। ठीक है, अभी बजट पर चर्चा होगी। हाँ रूल 188 188 पे मैंने एक ये प्रस्ताव करी हूँ, तो उस पे प्लीज कंसिडरेशन के लिए वो चेयरमैन साहब कंसिडर करेंगे। ठीक है, नीरज शेखर जी शुरू कीजिए। आई टोल्ड यू उपसभापति, ठीक है आपने कहा है हो गया। जो माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट देश के सामने रखा है, ये बजट देश के किसान, देश के नौजवान, देश के हर एक नागरिक के एक धोखा देने वाला बजट है। नहीं दिखा रहा है वो, इस देश में गुमराह किया गया है इस देश के लोगों को इस बजट में। मैं बात करना चाहूंगा इस देश के किसान के बारे में। पहले किसान को किस तरह इस सरकार ने धोखा दिया है, सरकार रमेश जी हम लोग डेढ़ गुना उसकी लागत का किसान को हम लोग MSP देंगे। किसान को गुमराह करने के लिए इन्होंने किया है। किसान आज आत्महत्या कर रहा है, किसान अपनी जो उपज है उसको मार्केट के कम दामों पे बेच रहा है। और ये क्यों हो रहा है, जो MSP का इन्होंने वादा किया है, आज से 2 साल पहले इसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया था और कहा था कि MSP से डेढ़ गुना हम लोग दे ही नहीं सकते हैं। आज ये सरकार चुनाव देख रही है 2019 में, तो ये पलट गई। ये किसानों के लिए नहीं अपने लिए कर रहे हैं कि अपना चुनाव में इनको फायदा हो, चुनाव फिर से जीत सके। पूरे देश में इनका विरोध हो रहा है, इसलिए इन्होंने ये MSP का वादा किया। और वादा भी क्या किया है, किस पे? ये तिगड़म जो किसान समझ ना पाए वो ये सरकार करती है। 3 तरह के हैं फॉर्मूला। A2 जिसमें एक्चुअल पेड अप कॉस्ट होती है, दूसरा है A2+FL एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट प्लस इनपुट वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर, और तीसरा जो लागू करना चाहिए C2 कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट इंक्लूडिंग इनपुट रेंट ऑन ओन लैंड इंटरेस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ ओन कैपिटल एसेट। ये सरकार धोखा दे रही है किसानों को। किसान को C2+50% मिलना चाहिए। आज मैं चाहूंगा वित्त मंत्री जी से कि इस पे साफ करें कि किसान को क्या दे रहे हैं ये लोग। डेढ़ गुना बोलने से नहीं होगा, किसान के साफ होना चाहिए। इस देश का 70 करोड़ लोग किसान पे खेती पे निर्भर है, और उसके साथ धोखा। ये सरकार हर चीज में धोखा कर रही है, हर व्यक्ति से धोखा कर रही है। इन्होंने कहा
योजना लाए किसानों के लिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इससे बड़ा धोखा किसानों के साथ नहीं हो सकता है। बीमा क्या है? बीमा इन्होंने कलेक्ट किया प्रीमियम 16-17 में 22,345 करोड़, और किसानों के कितना दिया इन्होंने? इन्होंने दिया 6,625 करोड़। बाकी प्रीमियम कहां गया? आपने किसानों से पैसा ले लिया, और किसान का अभी भी 55% जो मांग रहा है, जिसके लिए प्रीमियम दिया है, जिसका उसका नुकसान हुआ है, उसके बारे में कोई बात नहीं। सारा पैसा कहां चला गया किसी को पता नहीं। उसी तरह ये कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य योजना लेके आए हैं वही है। प्रीमियम के लिए कलेक्ट होगा, बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनियों को फायदा होगा, और आम आदमी 5 लाख क्या 5 रुपए नहीं मिलेंगे किसान। आप ये बताइए, 2 साल पहले इसी सरकार ने योजना लाई थी कि ये 1 लाख स्वास्थ्य बीमा योजना में देंगे 1 लाख रुपया। उस योजना का क्या हुआ? 2 साल में योजना कहाँ है? सरकार ये बताए, वित्त मंत्री बताए कहाँ है ये योजना? कहीं नहीं है। पेपरों में आई और पेपर में खत्म। लोग ढूंढ रहे हैं योजना। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस सरकार से, और मैं जानता हूं ये लोग नहीं सुनेंगे। ये बीजेपी में जो सत्ता में बैठे हैं, इनको अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ है, इनके आंखों पर अहंकार है इन लोगों पे। तो मैं इस सदन के माध्यम से अपने देश के नागरिकों से कहना चाहता हूं, अपने देश के लोगों से कहना चाहता हूं, नौजवानों से कहना चाहता हूं, किसानों से देता हूं कि इनको पहचानिए। मैं एक बात प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा करना चाहूंगा, और मैं लोग उससे मतभेद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा पकौड़ा बेचना भी एक एक रोजगार है। मैं इससे बिल्कुल 100% स्वीकार करता हूं इस बात को। और महात्मा गांधी कह चुके हैं, कोई भी काम करिए सब कुछ बराबर है, चाहे आप इस देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे आप स्वच्छता वाले हो, चाहे आप पकौड़ा बेचे, सब लोग समान है, क्योंकि डिग्निटी ऑफ लेबर होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी ने सही कहा। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जब एक पकौड़ा बेचने वाला अपना पेट काटकर अपने बच्चे को पढ़ाता है, उसको इंजीनियर बनाता है, उसको डॉक्टर बनाता है, उसको सीए बनाता है, तब वो क्या चाहता है कि उसका बेटा भी उसके बगल में खड़ा होकर पकौड़ा बेचे? प्रधानमंत्री बन सकते हैं, चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री चाहते हैं कि पकौड़ा वाला बेटा पकौड़ा बेचना वाला बने, वो प्रगति नहीं के चाहता। आप मैं जानता हूं प्रधानमंत्री नहीं समझ पाएंगे एक पिता की पीड़ा को, लेकिन आदरणीय अमित जी तो जान सकते हैं। मैं माफी चाहूंगा, अमित जी तो इस देश में एक ही है, अमित भाई शाह जी तो जान सकते हैं कि पीड़ा पिता की क्या होती है, जब अपना पेट काट के किसी को पढ़ा रहा है, अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, उसको आज क्या हो रहा है, कहीं नौकरी निकलती है? अगर कहीं भी किसी सफाई कर्मी की नौकरी निकलती है, तो उसके लिए सीए पढ़ा लिखा व्यक्ति जाता है, एमबीए पढ़ा लिखा व्यक्ति जाता है उसके लिए। ये हम लोग चाहते हैं अपने नौजवानों के लिए। और जब ये इस देश का प्रधानमंत्री कहे कि आप पकौड़ा बेचिए, उस नौजवान के ऊपर क्या बीतती होगी? जो पढ़ रहा है उसके आप सम्मान पे क्या होता होगा? जो व्यक्ति कहेगा कि आप पकौड़ा बेचिए एमबीए करने के बाद, आप पकौड़ा बेचिए डॉक्टरी करने के बाद, उसके आप सम्मान को क्या होगा? कम से कम प्रधानमंत्री कहे होते कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ। अगर पढ़े, अगर तुमने पढ़ा है, अगर उनको आपका साथ चाहिए, आप उनको हतोत्साहित मत करिए, उसके आत्मसम्मान को ठेस मत पहुंचाइए। नौजवान आज 13 करोड़ के करीब नौजवान अगले साल वोट देगा, और वो देख रहा है आप लोगों को, वो देख रहा है आप लोगों की, आप लोग की क्या सोच है, आप लोग क्या चाहते हैं उस नौजवान के लिए, वो देख रहा है, और वो बताएगा आप लोगों को कि क्या होता है और क्या सम्मान होता है, और किस तरह आप लोग इस देश की आत्मा के साथ खेल खेल रहे हैं। मैं चाहूंगा, अमित शाह जी ने अपने भाषण में कहा था, जब उनका पहला भाषण था, कि मैंने गरीबी को पास से देखा है। गरीबी को देखना नहीं है आदरणीय अमित शाह जी, गरीबी को महसूस करिए। अगर आप गरीब नहीं रहे तो गरीब के देखिए मत, उसकी गरीबी को महसूस करिए। गरीबी को तभी महसूस कर सकते जब उसको अपनी जगह खड़ा करके आप देखेंगे। आपने कहा कि
स्वच्छ भारत में हम लोग ने 6 करोड़ टॉयलेट बना दिए और उसके लिए और पैसा दिया है, उसमें तो आपने बजट कम कर दिया है, लेकिन उन 6 करोड़ टॉयलेट्स का आप लोग ने देखा हाल क्या है उसका? रमेश आप 12,000 रुपए देते हैं एक टॉयलेट बनाने के लिए, हो गया, बैठ जाए। 12,000 रुपए में टॉयलेट बन सकता है, शौचालय बन सकता है? आप जाके देखिए उन शौचालयों को। मैं तो यही चाहूंगा सभी माननीय सदस्यों से जो वहां, वो गांव तो कम जाते हैं ये लोग, लेकिन मैं चाहूंगा उन शौचालयों में जाकर एक बार अंदर खड़े होइए, दरवाजा बंद और 2 मिनट खड़े रहिए, बस आप लोगों को शौचालय समझ में आ जाएगा कि शौचालय क्या होता है। ये आप लोग जी क्या बताएं आप, सर मंत्री जी कुछ यूं ही कर रहे हैं। खड़ा होना चाहिए वैसे, ऐसे तो हर वक्ता के पीछे ऐसे खड़े हो जाएंगे। उनको कह रहा हूं, आपको नहीं कह रहा, सॉरी सॉरी। मैं इसीलिए मैंने कहा मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं रीड करने वाला था। विजय सर रेड्डी, मेरा टाइम का, विजय सर रेड्डी बैठिए आप। विजय सर रेड्डी, मैं यही कह रहा था कि शौचालय 12,000 में बन सकते हैं, आप इसको 6 करोड़ मत बनाइए, इसको 3 ही करोड़ बनाइए, लेकिन उसको 25,000 रुपए दीजिए कि उसमें कुछ काम हो सके। वित्त मंत्री से आग्रह करूंगा कि उसमें पानी का इंतजाम हो सके, नहीं तो उसमें क्या हो रहा है, कुछ दिन के बाद स्टोर बन जा रहा है वो। एक अभी मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि एक व्यक्ति ने आवेदन किया था घर के लिए, तो घर का तो मिला नहीं, टॉयलेट का मिल गया उसको, तो उसी में रह रहा है वो। आश्चर्यचकित है भाई, क्या इस सरकार क्या क्या लोगों को गुमराह कर रही है। मैं यही कहना चाहता हूँ रमेश जी, मैं मेरे एक और साथी बोलने वाले, मैं जल्दी जल्दी 2-3-4 चीजें कहना चाहूंगा। मैं कहना चाहता हूँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, माननीय चिदंबरम जी ने इसे उठाया था, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि $140 था तब भी 75 रुपए हम लोग को मिल रहा है, आज $68 पर बैरल है तब भी हम लोग 75 रुपए मिल रहा है, ये कौन सा अर्थमेटिक है? अगर मार्केट से आप लोगों ने जोड़ दिया है तो ये कौन सा अर्थमेटिक है? माननीय वित्त मंत्री से मैं 10वीं बार पूछ रहा हूं और वो भी सदन में, माननीय पेट्रोलियम मिनिस्टर से पूछ चुका हूं, आप इस देश की जनता को कम से कम ये तो बताएंगे ये कौन सा अर्थमेटिक है, ये कौन सा मार्केट वैल्यूएशन है कि जब $140 है तब भी 75 रुपए में हम लोग पेट्रोल खरीद रहे हैं और किसान डीजल खरीद रहा है और वो और आज भी वही स्थिति है। ये बता दे, मैं माननीय वित्त मंत्री से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, इस देश के लोग जानना चाहते हैं कि ये कैसा अर्थमेटिक है। मैं दूसरा उज्ज्वला योजना के बारे में कहना चाहूंगा, क्योंकि वो बलिया से शुरू करी थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि बड़ी अच्छी योजना है। मैं मानता हूं कि कई लोगों को मिली है सिलेंडर, गैस सिलेंडर, लेकिन उस सिलेंडर का फायदा क्या है? दूसरी बार उसमें कितनी बार रिफिल हुआ है ये बता दे माननीय वित्त मंत्री जी। लोगों ने वो चूल्हा ले लिया है, वो भी 1600 रुपए में मिला उनको चूल्हा, और उन लोगों को ये नहीं बताया गया कि बाद में आपको ये पैसा धीरे धीरे देना पड़ेगा हर गैस सिलेंडर के साथ। ये स्पष्ट करना चाहिए, लोगों को गुमराह मत करिए। 3 करोड़ से 8 करोड़ कर दिए, सबको मिल जाए गैस का चूल्हा, ये हम लोग चाहते हैं, लेकिन स्पष्ट होना चाहिए, जो भी नीति बनाए स्पष्ट नीति बनाए। नीरज शेखर जी और एक आदमी है आपके तरफ से, मैं 2 मिनट, मैं 2 चीज और चाहता था, नेशनल समाप्त कीजिए, नेशनल हाईवे के बारे में बोलना चाहता था, मैं बार बार सुन रहा हूँ, थोड़ा समाप्त कीजिए। ये नेशनल हाईवे बना रहे हैं पूरे देश में, इतना 32 किलोमीटर 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर रोज बन रहा है। हमारे यहाँ माननीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी आज से 1.5 साल पहले आए, बैठेगा अभी, उन्होंने शिलान्यास किया नेशनल हाईवे 31 का, और आज 1.5 साल गुजर चुके हैं, उस पे एक रोड़ी नहीं आई, उस पे ना DPR हुआ है, ना कुछ हुआ है, ना अधिग्रहण किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कैसी ये सारी योजनाएं ऐसी हैं। माननीय नितिन गडकरी जी लखनऊ गए और वहां पे उत्तर प्रदेश को 2 लाख करोड़ 2000 जी समाप्त कीजिए, क्या 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 तुरंत समाप्त कीजिए। आखिरी पॉइंट है, मैं खत्म हो गया, मैं सर 2 मिनट दीजिए सर, नहीं तुरंत जन धन सर, कल मेरे को नहीं बोलने दिया गया, ठीक है आपका, 5 घंटे में बैठा रहा, टाइम कितना हो गया देखिए, आधे घंटे था और एक आदमी है आपका, एक घड़ी के गड़बड़ के कारण क्लोज इट। मैंने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का माननीय प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं
कि 18,000 गांव में हमने लाया है, मैं उसके आंकड़े चाहता हूं, क्योंकि वो जो वो काम वो राजीव गांधी विद्युतीकरण में हुआ है। आपकी दीनदयाल उपाध्याय योजना जब से आई है मैं जानना चाहूंगा उसमें क्या काम हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश, मैं बलिया जिले का जानता हूं, जहां पे कहा गया कि आप एस्टिमेट बनाइए दीनदयाल उपाध्याय में, वहां 400 करोड़ का एस्टिमेट बना और पैसे कितने मिले? 55 करोड़ रुपए। और वो 55 करोड़ रुपए किस चीज में खर्च हो रहे हैं? वो खर्च हो रहे हैं गांव में, गांव वाले के घर में मीटर लगाने के लिए, जहां गांव का किसान मजदूर 2020 रुपए नहीं दे पा रहा है हर महीने, वो उसको अब लगेगा 1,000 से 1,500 रुपए जब मीटर लग जाएगा। ये सरकार क्यों नहीं बताती लोगों को कि दीनदयाल उपाध्याय में बस मीटर लग रहे हैं, और मीटर कब तक लगते रहेंगे? और उसके लिए किसान, और आप गरीबों और किसानों की पार्टी है। नीरज जी, मैं कृपया समाप्त कीजिए। मैं सर मैं अगला नाम को लूंगा। और मैं अंत में, सर मैं अंत में, मैंने प्रश्न पूछा था माननीय वित्त मंत्री से एनपीए के बारे में, कि बड़े घराने, उद्योगपति घरानों के जो एनपीए है उसके बारे में सरकार क्या कर रही है। बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ये यूपीए का पाप है जो हम उठा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये पाप यूपीए और एनडीए में बढ़ जाए ये पाप। मैं ये जानना चाहता हूं कि 2014 के बाद कितने ऋण आपने उद्योगपतियों को दिए हैं, कि 14 के पहले इनका पाप है और 14 के बाद आपका पाप। ये चाहूंगा कि ये बात स्पष्ट हो जाए। ये माननीय वित्त मंत्री जी नहीं बताते हैं, उनको बताना चाहिए कि भाई पाप बढ़ जाएगा तो पाप दोनों लोग अच्छी तरह उठा लेंगे। धन्यवाद। 2014 के बाद जो पाप किया है वो आपने किया है। अगला नाम श्री मुत्तु कृष्णन। धन्यवाद, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अरे हम लोग का 30 मिनट था, आपने काट के 14 मिनट कर दिया। हमने नहीं कहा, यहाँ पर 11 मिनट है, दो आदमी है बोलने वाले, ये नहीं बोल रहे। नहीं नहीं ये नहीं बोल, हो गया। मैं जनधन योजना के बारे में जानना चाहूंगा। माननीय पूरी सरकार कह रही है हमने 31 करोड़ में हमने जनधन में खोज दिया, और उसमें 71,000 करोड़ रुपए आ गए हैं, लोगों ने जमा किए हैं। मैं बस ये जानना चाहूंगा वित्त मंत्री से कि 8 नवंबर 2016 के बाद कितना जमा कराया गया उन जनधन खातों में, ये मैं जानना चाहूंगा। और उन जनधन योजना में सरकार ने कितना डाला है, क्योंकि उसमें 15-15 लाख रुपए आने वाले थे, उसमें सरकार ने कितना डाला है ये भी मैं जानना चाहूंगा। और मैं क्योंकि हमारे नेता भी यहाँ बैठे हुए हैं आदरणीय रामगोपाल यादव जी ने, इन्होंने हमसे कहा था कि आदर्श गांव में हम लोग को नहीं लेना है। और मैं जानना चाहूंगा, हम लोग बार बार पूछ रहे हैं इस बारे में कि प्रधानमंत्री आदर्श गांव में ये सरकार हम लोग को क्या दे रही है, कि हमको एक गांव चुनना है सारे पूरे उत्तर प्रदेश में, कि अभी मैं एमपीलैड से दूसरा नाम लूंगा, आपका बंद हो जाएगा, कृपया करके क्लोज कीजिए। सर खत्म तो करने दीजिए, 5 मिनट ज्यादा हो गया आपका, अभी ठीक नहीं है। मैं अगला नाम पुकारूंगा श्री सर, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, श्री मुझे दीजिए। यू आर नॉट एक मिनट लूंगा। मैं ये इन सरकार से यही चाहता हूँ, यही आग्रह कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि इस देश के ना किसान को आप भ्रमित करिए, ना नौजवान को भ्रमित करिए, ना इस देश के अल्पसंख्यकों को भ्रमित करिए। इस देश में आज स्थिति ये हो गई है कि हमेशा लड़ाई का माहौल लगता है। कभी ये हो रहा है कि ट्रिपल तलाक के लिए लड़ाई हो रही है, कभी ये हो रहा है पाकिस्तान से हम लोग लड़ रहे हैं। इसमें कभी ऐसा नहीं दे स्थिरता नहीं दिख रही है इस देश में, हमेशा लगता है कि हम लोग किसी लड़ाई में लड़ रहे हैं, हम लोग हमेशा युद्ध का माहौल रहता है। मैं चाहूंगा सरकार से कि लोगों के मन में शांति रहे, सद्भाव रहे, ऐसा काम इस सरकार का है। धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद धन्यवाद श्री